हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। अभी आ रही है सृष्टि स्कूल से, तो हमने सोचा क्यों ना सृष्टि के साथ एक प्रैंक किया जाए। और प्रैंक जो किया है उसका रिएक्शन आप ज़रूर देखिएगा कि क्या रिएक्ट किया सृष्टि ने। कट कर दिया हाथ में, आउट तो नहीं कर दिया स्कूल से? स्टार देने की बजाय मैम ने क्रॉस दिया है आपको, ऐसा कैसे हो गया? आउट बल घर से, स्कूल से आउट कह दिया क्या? क्या हुआ? उदास उदास क्यों हो रहा है? मैम ने डांटा क्या? आ गए स्कूल से? डांटा लग रहा है क्योंकि हाथ में आज मैम ने क्रॉस दे रखा है और दिन स्टार दे देते। क्या हो बेटा, ऐसा क्या बोला मैम ने? कहाँ गए थे बोला है शुरू सृष्टि? कहाँ गए थे बोला? कुछ नहीं पूछा। क्या हो गया, घर चलेगी? हाँ, क्या करेगी नानी से? नानी चलेगी बेटा, आराध्या सोई, उसको डिस्टर्ब मत करो। क्या हुआ, चलेगी? क्या हो गया फिर, क्या हुआ? चलेगी नानी घर, अब हम जाएंगे फिर। अब नाम रहता है, हैं? क्या हो गया, चले गई है? क्या देख रही है अब आराध्या सुई? इधर आ जाना। क्या हुआ? अरे कोई बात नहीं बेटा, जाना तो था फिर। नाना नाना मामा मामी सब अकेले थे ना वहाँ? मामा मामी सब अकेले थे बेटा, ऐसे थोड़ी होता है। अब मेरे को भी मारी फिर है? कोई बात नहीं बेटा, नानी को जाना भी तो था, ऐसा नहीं होता बेटा। मेरा बच्चे कितना अच्छा है, रोते नहीं है। अच्छा अब आ जाइए, हम जाएंगे अब छुट्टी, ऐसे नहीं होते बेटा। आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। क्या हुआ फिर, तुझे भी जाना है नानी के पास? नानी के पास जाना है, हैं? ऐसे मत कर फिर। हाँ सृष्टि तो इतना रो रही है, क्या हो गया? अब हम जाएंगे बेटा वहाँ, ऐसे नहीं होते। आजा आजा, चल खड़े हो जा, हम जाएंगे नानी के पास। आपको नानी के पास जाना है, पहले बताओ फिर जाना है नानी के पास? जाना है, इधर देख के बताओ मुझे, पहले इधर देख के बताओ फिर तभी मैं बुलाऊंगी नानी को। चलो चलो फिर, ऐसे मत हो फिर, खड़े हो फिर। अरे एक बार मुझे ऐसे बताओ फिर, आपको जाना है नानी के पास? नहीं जाना? जाना है, इधर देख के बताओ फिर, तभी मैं भेजूंगी नानी के पास, तभी हम ले जाएंगे नानी के पास, है ना पापा? जब ये दिखाएगी तभी जाएंगे ना पापा नानी के पास। देखो पूछ लो, दिखा फिर, इधर दिखा। खड़े हो मेरे बच्चा, नहीं दिखी नानी अभी भी? वो छुपी है नानी, देख छुपी है। तूने कहा ना मेरे को छोड़ के मजा ना, नहीं कभी मजा ना बोला ना, कभी नहीं गई अपने बाबू को। कार्टूनी है, हंस दे। अच्छा बोल दे, हमारी वीडियो को लाइक करना बोल दो, मैंने नानी को कल भेज ही दूंगी मैं। बोला मेरी नानी कभी मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी, बोल फिर एक बार बोलो, फिर मैं चले जाऊंगी। एक बार बोल दे प्लीज, लाइक करना बोल दो, फिर लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब बोलो। सो अभी सृष्टि दिखा रही है अपना होमवर्क, और डेली की तरह वो अपना टिफ़िन दिखाती है कि फिनिश किया या नहीं। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग अपने ही व्लॉग वीडियोस, और यहाँ पे आराध्या सो रही है। देन सृष्टि के एक सरप्राइज़ भी है आगे, वो भी आप देखिएगा क्या सरप्राइज़ है। तुझे पता नहीं चला कहाँ पे छुपी थी करके?
है बेटा, आपको पता नहीं चला कहाँ पे छुपी थी? ऊपर देखो, चलो हमारी क्या कहते हैं एलिजाबेथ भी देख रही है, महारानी विक्टोरिया और एलिजाबेथ जो है हमारे, थोड़ा डिफरेंट वाला करो फिर। यहाँ से चला रहे हैं इसको। ये जो है ना, ये क्या कहते हैं, ये जो शख्स है हमारे, ये जो गोरे गोरे फन्नार हो रखे हैं, इनका जो है मतलब नई नई चीजें लेने में जो इंटरेस्ट है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है। इसको रोकने के लिए हम क्या करें हैं? आपको एंटीक पीस का अगर इतना शौक है तो आप कलेक्शन वो चीज करें जिसकी वैल्यू होगी। मैं बताऊं क्या करें, मैं बताऊं, सबसे पुराने सिक्कों को आप यूज करो, सबसे पुराने जो सिक्के ना उसको इकट्ठा करो। इन फ्यूचर जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे ना, तो उन जो उसकी सिक्के की जो वैल्यू है ना, वो देखना क्या होगी। और आप वो करें, क्या नाम है, क्या कहना चाहती हूँ मैं खुद ही भूल जाती हूँ क्या कहना चाहती हूँ। आप सबसे पुरानी गाड़ी ऑल्टो का भी जो सबसे पुराना वर्जन होता है ना, वो उस गाड़ी को रखो। वो कभी एंटीक पीस में जब आपके बच्चे 40 साल के हो जाएंगे ना, तो वो गाड़ी को खरीदने के लिए ना लोग तरसेंगे कि यार ये बहुत पुराना आइटम हुआ करता था। उससे भी पुरानी गाड़ी, मतलब पुराने जोनर की गाड़ी होती ना, जो वो रखे सर आप। नई चीज़ों की वैल्यू जो है आपके बच्चों को पता चलेगी, मतलब बच्चों के बच्चों को। देखो इग्नोर कर दिया ना हमारे पुष्कर भाई, मतलब हमारे जो भैया थे अभी बीच में, जब मैं हल्द्वानी गई थी तो उनका एक सजेशन था मेरे को कि क्या कहते हैं, पूजा तू कंटेंट तो अच्छा बनाती है, मतलब तू उस जोन में पहुंच जाती है कि तू कॉमेडी करती है, लेकिन जो तेरे सामने शख्स बैठे रहते हैं, चाहे वो तेरी माता श्री हो, चाहे वो भाई हो, पापा हो, या तेरे खासकर तेरे हस्बैंड जो है, उनको तो इतना मजाक करती, लेकिन वो बंदा जो टस से मस हो जाए कहते हो, तो एक्चुअल बात कहते हैं कभी शाम कह रहे। मैं तुझे तेरे एक पॉइंट बता रहा हूँ कि जो तेरे व्लॉग में बहुत ज़रूरी है, तो इन शख्स को वो सामने से समझाते तो मेरे को कुछ समझ आता, बस ये तीत फाड़ देते उसके बाद बस कुछ बोले। हमारी जनता चाहती है कि आप उससे, मैं अगर गंदा जवाब दे रही हूँ तो आप उससे भी गंदा रिएक्शन दें, थोड़ा मेरे साथ फाइटिंग करें, जनता को हम दिखाएं फाइट करते हुए हैं। देंगे आप आज के बाद? पक, ये देखिए ये होता है क्या वाला फेस, ये बहुत इमेज कॉन्शियस हो गए हैं, बहुत एक लाइन में जवाब दे दे, ऑफ कैमरा भी इतने जवाब दे देंगे मुझे, हे प्रभु। ये भी खुश हो रही है, समझा दो जरा, है ना आरू। मेरे बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं अभी इस चीज के लिए, मेरे कैमरे के लिए बहुत वो हैं। देखो ऐसे इग्नोर करते हैं, वीडियो चला देंगे पीछे से, खत्म, मेरा कॉपीराइट आ जाता है चक्कर में। आप आइस क्लोज करो, आपके लिए एक और चीज है, बंद करो अच्छे से। आप पहले तो आंसू मोड़ो, पलटी यहाँ पे बैठे चटाई में, आइस क्लोज करो तब लाएंगे आपके लिए। ऐसी रहना, ऐसी आंख। सो सृष्टि के लाया हुआ है टैबलेट, हालांकि उसके पापा का है लेकिन सृष्टि भी यूज कर सकती है इजिली, तो सृष्टि के लिए टैबलेट आया, देखते हैं इसका रिएक्शन क्या रहता है। आइस क्लोज, आइस क्लोज, आप भी ना, अरे देखना इधर पे आओ, अब खोलो तो आइस, आइस खोलो। ये क्या आया, क्या है ये, कैमरे में नहीं आ रहे इसके पापा, खड़ा हो गया ने। क्या है ये, खोलो तो कुछ है क्या सृष्टि, खोलो खोलो क्या है, प्रेशर मत दो फिर इसमें, ढंग से खोलो, आराम से टूट जाएगा वो, खोलो। क्या है ये, क्या है ये, क्या है ये, सृष्टि के लिए आ गया है टैबलेट और चल गया है यूट्यूब, वाईफाई नहीं खुला है इसमें, रुक जाओ, कैसा लगा है सृष्टि? ये तो इसका रिएक्शन भी पापा जैसा ही है, बिल्कुल खत्म वाला। अरे कितने खुश होते हैं बच्चे, जीव निकाल देगी बस। कैसा लग रहा है शुरू, कैसा लग रहा है,
इसी से चलाएगा फोन आपके लिए नया, आपका फोन खराब हो गया था ना, पापा ने नया फोन ले आया आपके लिए, ठीक है, टैबलेट है ये। थैंक यू बोलो फिर, अब थैंक यू बोलो पापा को, बोलो कोई चीज देता है उसके बाद थैंक यू बोलते ना, बोलना शुरू शुरू बोलो पापा को थैंक यू, पापा बोल दो। सो गाइज, हमारे घर में एक स्पेशल नमूना आया हुआ है, सो सृष्टि इसका उपयोग करके बताएगी आपको। ये यंत्र एक जो गोले की तरह नजर आता है, ये यंत्र बहुत कुछ कर सकता है। ये हस्बैंड जी के शौक हैं, जो नए नए वही इस घर में मिलते हैं हमारे। सृष्टि बताएगी कैसे यूज करते हैं, बोलो। बिल्कुल, मैं हंस सकती हूँ। अब जोर से बोलो, अलेक्सा रॉकी दिखाओ। साफ साफ बोलो, अलेक्सा इतनी जल्दी नहीं सुनती है, आराम से बोलो, अलेक्सा रॉकी दिखाओ। पुष्पा, आई हेट टियर्स। पुष्पा, आई हेट टियर्स। एलेक्सा से, एलेक्सा सारी सारी कलर लगाओ। सारी में वो नहीं किया जा सकता, चुटकी सारा गाने लगाओ। भाई एलेक्सा बोलो, बोलो एलेक्सा। अमेज़न म्यूजिक पर ये रहा डीजे हेमंत राज का पुष्पा राज। जोर से बोलो फिर, सो आप ये लोग ले रहे हैं मजे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।